कह रहा है कि अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ डायमीटर 9 मीटर एंड हाइट 3.5 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए, दिमाग लगाइए, चावल है, चावल ठीक, ये बेस है हमारा फर्श है, ये हमारे घर की फर्श है या कहीं की भी फर्श है, गोदाम में एक फर्श है, ऐसे फ्लोर है, तो हमने ऊपर से चावल डालना शुरू किया किसी मशीन से, सोचो, तो चावल एक ढेर लगा देगा, और चावल जब ढेर लगाएगा जो हीप उसका बनेगा वो कैसा होगा, कॉनिकल शेप का, देखा होगा आपने, ऊपर से मिट्टी गिरा के देख लो तो मिट्टी कुछ ऐसा शेप का आ जाएगा, ये देखिए ये सर्कुलर बेस और ये ऐसा, ठीक, तो ये चावल का ढेर ऐसे लग गया। ठीक, सुनो, अब इन्होंने आपसे पूछा है कि जो हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ अ डायमीटर, कोन बन रहा है जिसका डायमीटर कितना है 9 मीटर, तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये कोन का जो डायमीटर है ये पूरा, ये ए से बी तक, ये पूरा डायमीटर कितना है 9 मीटर है, तो बच्चों अगर डायमीटर इसका 9 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 9/2, यानी कि 9 को 2 से डिवाइड कर दो कितना होता है 4.5 आ जाएगा, तो रेडियस कितना हो गया इसका 4.5 मीटर्स हो गया, ठीक, एंड हाइट ऑफ 3.5, तो ये देखिए ये हाइट कितनी ऊंचाई तक ये पूरा ढेर लग जाता है चावल का, हाइट हो गया कोन का यहाँ पर कितना 3.5 मीटर्स, ओके ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, बच्चों बताइए वॉल्यूम ऑफ द राइस निकालने का क्या मतलब है, इस कोन का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ द राइस होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द राइस तो हम मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, मीटर क्यूब में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/3 πr² खत्म कहानी। लेकिन आगे जो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मच कैनवस क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, बच्चों एक बात बताऊं, ये चावल का ढेर ऐसे रखा हुआ है, अगर हम बोलें कि भाई इसको कैनवास के कपड़े से आप कवर कर दो, जस्ट कवर द कैनवास, जस्ट कवर द हीप बाय दिस कैनवास क्लोथ, तो बच्चों ये देखिए ये कपड़ा है और ये आपका कॉनिकल शेप है, लेट अस अज्यूम, तो आप इस पर कपड़ा ऐसे लपेटोगे ना, बेस पे तो नहीं लगाओगे, बेस में कहाँ घुस जाओगे, यहाँ तो चावल ऐसा ढेर लगा के बैठा हुआ है, क्या इसके बेस पे कपड़ा डाल दोगे, नहीं, तो इस हीप को कवर करने के लिए यहाँ कपड़ा लगाओगे, जस्ट कवर द हीप का मतलब जैसे ही आपने जहाँ से फोल्ड करना, मतलब जहाँ से आपने स्टार्टिंग करी, जैसे कि आपने मान लीजिए चलो ये कपड़ा है, ये लेट अस अज्यूम ये हमारे पास कपड़ा है, कैनवस का पेप कपड़ा है, ठीक है, तो यहाँ से अगर हमने स्टार्ट किया यहाँ से, तो जब हम घुमा के ऐसे करके लेके आएंगे ना, अरे यहाँ पे यार ऊपर भी सब कवर करो, यहाँ जब घुमा के लेके आएंगे जैसे ही यहाँ पे वापस पहुँच जाओ तुरंत रोक देना, ऐसा नहीं कि तुमने दोबारा फोल्डिंग कर दी इसमें, ठीक है, आवाज़ नहीं आ रही ना, आ रही है, हाँ ठीक है, तो सोचो जस्ट कवर द हीप के लिए सोचो तुमने क्या कवर कर लिया भैया, कपड़ा लिया ना, ये देखो ये कपड़े का कुछ ना कुछ क्या था, सरफेस एरिया था, ये कपड़े को ऐसे, कपड़े से ऐसे हीप को जब कवर किया तो आपने क्या कवर किया, आपने कोन का लेटरल सरफेस एरिया कवर किया, आपने कोन का लेटरल सरफेस एरिया कवर किया, तो कोन का लेटरल सरफेस एरिया निकाल लो भैया, उतना ही मीटर स्क्वायर का तुम्हें क्लोथ चाहिए होगा, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द राइस निकालते हैं यहाँ, तो वॉल्यूम ऑफ द राइस निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ द कोन की इक्वल हो जाएगा, यानी 1/3 πr² h, फटाफट इसको निकाल लेते हैं, तो ये जगह 1/3, हाँ भाई पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं बोला गया, तो हम 22/7 ही लेंगे, इनटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है 4.5, यानी कि 4.5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4.5 × 4.5, एक काम करें स्टूडेंट्स सुनिए ध्यान से, चलो अच्छा ठीक है 4.5 ही रख लो, क्या जा रहा है सॉल्व तो वैसे भी करना पड़ेगा, रेडियस 4.5 है, रेडियस का स्क्वायर 1/3 πr² r × r × h, एच कितना है आपका 3.5, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, देखिएगा स्टूडेंट्स 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, लेकिन ये 4.5 है तो ये 1.5 आ जाएगा, ठीक, 7 × 7 और 7 × 5 = 35 होता है, तो यहाँ 5 आएगा 0.5 हो गया, ठीक, अब डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं है और ये ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, कैसे करें, ओके मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कर क्या सकते हैं, चलो करते हैं 22 × 1.5 कर लेते हैं पहले और 4.5 × 0.5 कर लेते हैं, ठीक है, जो भी आंसर आएगा फिर उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 22 × 1.5 कर लेते हैं पहले, यहाँ कहीं करते हैं तो 22 × 1.5 करिए, कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10, 1 × 5 = 10 + 1 = 11, 1 × 2 = 1, 2 × 2 = 2, 0 × 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट आएगा 33 आ गया, तो 22 × 1.5 कितना आ गया 33.0, यानी कि 33 आ गया, इंटू 4.5 × 0.5 करिए, तो 4.5 × 0.5 करिए, कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 2 × 5 = 4 = 20 + 2, 22 × 0 × 5 = 0, 0 × 5 = 0, 0 × 4 = 0, ये आ गया 5 2 2, पीछे से 1 2 digit पे पॉइंट 2 digit, देखिए यहाँ से 1 digit, यहाँ से 2 digit, तो ये 2 point कितना आ गया 25, ओके 2.25 आ गया, तो 4.5 × 0.5 2.25, और 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2 ही तो होता है भैया, तो 4.5 का आधा करोगे क्या आएगा 2.5 ही तो आएगा,
4.5 × 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, तो 4.2 × 1/2 कितना आएगा 2.25 तो आएगा, जैसे करना वैसे कर लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2.25 × 33, 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 6 + 1 = 7, 3 × 2 = 6, ओके, इंटू 3 × 5 = 15, 1 × 3 = 6 + 1 = 7, 3 × 2 = 6, ओके, 5, 7 + 5 = 12, 1 जाएगा, 7 + 7 कितना 14, फिर 1 जाएगा यहाँ 7, पीछे से 1 2 डिजिट पे, तो 74.25 m³, ओके, तो 74.25 क्या मीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द राइस। फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ द राइस। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। ये हटा रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, जिसको कॉपी करना हो कर ले, हटा रहा हूँ, ओके। अब देखो बच्चों, तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं कि कितना कैनवस क्लोथ चाहिए जस्ट इस हीप को कवर करने के लिए। तो हम निकाल लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो एरिया ऑफ कैनवस क्लोथ इज इक्वल्स टू व्हाट, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है, लेकिन एल क्या होता है, स्लैंट हाइट, याद है आपको, एल क्या होता है, स्लैंट हाइट। निकाल लेते हैं, एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर, हाँ भाई, एच का स्क्वायर यानी कि 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर यानी कि 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो कैसे इसको सॉल्व करें, चलिए करते हैं। एल इज इक्वल्स टू रूट ओवर, अब देखिए 3.5 का स्क्वायर यानी कि 3.5 × 3.5, ओके। तो अगर हम कुछ और कर लें, तो यहाँ से अगर इसको 9/2 लिख लें कोई फ़ायदा नहीं है, 7/2 लिख लें कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। तेरा ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो 3.5 को आप क्या लिख सकते हो, 7/2, भाई 7/7 को 2 से डिवाइड करो तभी तो 3.5 आता है, तो 3.5 की जगह मैंने क्या लिखा, 7/2 और इसका स्क्वायर, और प्लस 4.5 की जगह मैंने 9/2 लिखा, ठीक है, और इसका स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ से देखते हैं क्या होता है, कुछ कैलकुलेशन देखिए, ऊपर मैं यहाँ पे करता हूँ। तो L इज इक्वल्स टू रूट ओवर, अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, ध्यान दो, देखो ये स्क्वायर 7 को भी मिलेगा 2 को भी, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस ये स्क्वायर 9 को भी मिलेगा 2 को, 9 का स्क्वायर होता है 81 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, सही। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास रूट ओवर, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही आ जाएगा, और न्यूमरेटर ऐड कर देंगे 81 + 49, तो 81 + 49, 9 + 1 = 10, 1 जाएगा, 8 + 1 कितना होता है 9, 9 + 4 कितना होता है 13, सही है, ओके। तो ये आ गया आपके पास कितना 130। अब देखो बच्चों ये स्क्वायर रूट हमने पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय बी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, यानी कि स्क्वायर रूट 130 को भी मिलेगा, तो 130 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है, और रूट 130 हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 130 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो 130 का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, ओके। और रेडियस कितना है इसका, रेडियस हमारा 3. रेडियस है कितना 4.5 है ना, कुछ कटेगा नहीं बच्चों, निकालना ही पड़ेगा L, L अप्रॉक्स में निकालना ही पड़ेगा, आइए निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 130 का स्क्वायर रूट लेते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जगह बनाते हैं, 130 लिखा, फिर पॉइंट लगा के 0 0 0 0, और यहाँ पे भी 0 0, ठीक है। हाँ माइक फिर से नहीं चल रहा है, एक सेकेंड बस। तो स्टूडेंट्स 130 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो 130 को 130.000000 लिख लिया, पॉइंट के बाद हमने 0000 के तीन पेयर बना लिए, तो ये दो डिजिट के पेयर हमने ऐसे बना लिए, और दो डिजिट का ये यहाँ पे वन डिजिट का, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो यूट्यूब पे टाइप करके कहीं से किसी ने जरूर पढ़ाया होगा, मैंने तो कई बार बताया, अगर आपने शुरू से मेरी क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पक्का पता होगा, ठीक। सुनिए अब देखो बच्चों, यहाँ ओनली वन है, तो वन वन जा क्या आ जाएगा, वन माइनस वन, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, दैट इज व्हाट 30, और यहाँ पे वन के नीचे वन लिखेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, करेक्ट। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सोचो कि जो नंबर यहाँ भी सोचो, तो मेरे ख्याल से तो 1 आएगा, और यहाँ पे 1 क्योंकि 1 × 21 कितना हो जाएगा 21, सही है। अब यहाँ 1 उतारा था तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1, हम ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22, और यहाँ माइनस करेंगे 10 - 1 = 9, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट ले लिया, और नेक्स्ट पेयर हमने यहाँ पे उतार लिया 00 वाला, ठीक। अब यहाँ पे 22 है, अब 22 के पीछे ऐसा कोई नंबर सोचो कि जो नंबर यहाँ पे भी सोचो,
और मेरे ख्याल से 3 आएगा क्या, देखते हैं, 2 2 3 और यहाँ पे भी 3, तो 3 3 जा कितना होगा, 9 3 2 6 3 6, तो 2 2 के बाद अगर हम 4 सोचें और 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16, 1 4 2 8 प्लस 1 9 4 2 8, सही है, 4 टाइम जाएगा, तो ये 4, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4, और 4 × 2 2 4 कितना आ गया, 896 आ गया, 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 9 - 9 0 और 9 - 8 104 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 4 है तो फिर से 4 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 2 8, यहाँ आ गया 2 2 8, और नेक्स्ट पेयर हम लोग कॉपी कर लेंगे, दैट विल बी 0 0, तो 2 2 8 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 8 को हम लोग मल्टीप्लाई करें, लगभग कितनी बार जाएगा ये, क्या 5 टाइम्स जाएगा, नहीं 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ये जाएगा मेरे ख्याल से 4 टाइम्स, देखते हैं, 4 4 = 16, 1 4 8 = 32 + 1 33 3, 4 2 = 8 8 + 3 11, फिर 1 जाएगा 4 2 = 8 + 1 11, ये भी ज़्यादा हो गया बच्चों, हमें कितना चाहिए 10,400, कितना आ जा रहा है 11,000, तो ये जाएगा मेरे ख्याल से कितने टाइम्स, शायद 3 टाइम्स, तो 2 2 8 3 2 2 8 3, और यहाँ भी 3, ठीक है, तो 3 3 = 9 और 3 8 = 24, 2 3 2 = 6 + 2 8 और 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 8 = 24, 2 3 2 = 6 + 2 8 3 2 = 6, ठीक है, कोई डाउट है बताइए, देखो, अच्छा हाँ सॉरी ये गलती हो गई, 10 - 6 कितना हो गया 4, 9 - यहाँ से, अच्छा कैरी लिया था, ठीक है वो कैरी यहाँ से लेता है 8 - 8 0, ठीक, यहाँ तो 0 0 4 00, यहाँ तो 0 बच जाएगा, ओनली 4 बचेगा ना, यहाँ 900 - 896 करोगे सीधे 4, और नेक्स्ट हमने पेयर यहाँ पे कॉपी कर लिया तो कितना आ गया हमारा 400 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2 2 8, ठीक है, बस समझ में ही नहीं, ठीक है, तो अब तो ये जा नहीं रहा है, क्योंकि ध्यान से करो यहाँ पर कितना है 400 है, पेयर भी हमने कॉपी कर लिया, तो अब क्या करेंगे, ये वन टाइम भी नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर हम यहाँ 1 भी लगा दें 2 2 8 के बाद, अगर हम 1 भी लगा दें और यहाँ अगर हम 1 लिखें, तो इस 1 को अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें 2 2 8 1 आ जाएगा, जो कि 400 से क्या है ज़्यादा है, तो नहीं जा रहा है, तो ना जाने का क्या लगाते हैं हम लोग, 0, नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे, और यहाँ पे भी 0, और इस 0 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, तो 400 - 0 0 400 आ गया, ठीक है, और ऊपर से नेक्स्ट पेयर फिर कॉपी कर लेंगे, ठीक है, अब कितना आ गया 2 2 8 0, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है बस, तो 11.40 आ रहा है लगभग, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 130 कितना आ रहा है आपके पास, 11.40, अब इसको 2 से डिवाइड करो तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा आपका, ध्यान से करिए ज़रा, 2 1 = 2 और 2 5 = 10 होता है, 1 इधर जाएगा, 2 7 = 14 और 0 5.70, तो ये 5.70 आ गया आपका स्लैंट हाइट, ठीक है, मीटर्स में, तो स्लैंट हाइट इज़ वॉट 5.70 मीटर्स अप्रॉक्स, ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए, पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 × r, क्योंकि जब तक पाई का वैल्यू 3.14 नहीं बोलेगा हम नहीं लेंगे, ठीक है, रेडियस कितना है, रेडियस है आपका कोन का, रेडियस कितना था आपका, मैंने तो हटा दिया बच्चों यहाँ से, रेडियस कितना था देखिए बताइए, 4.5 था ना, 9/2 मतलब 4.5 है ना, डायमीटर 9 था ना, ठीक है ना, तो पाई आर एल, आर आर कितना रखेंगे 4.5 रख दिया, चलो 9/2 रखो चाहे 4.5 रखो, एल स्लैंट हाइट कितना है अभी 5.70, तो यहाँ रखा हमने 5.70, ठीक है, 5.70 को आप 5.7 भी लिख सकते हो, 5.70 को 5.7 भी लिख सकते हो, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको 7 से डिवाइड लगा देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए करते हैं, कैलकुलेशन के लिए आप लोग तैयार रहिए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन तो आएगा ही आएगा, 4.5 × 5.7, ठीक, तो यहाँ कहीं करते हैं, कैलकुलेशन से आप नहीं बच सकते हो, वो तो आना ही भाई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से ही, 4.5 × 5.7, तो 4.5 × 5.7, 7 5 = 35, 3 7 4 = 28, 28 + 3 कितना हो जाएगा 31, और इंटू लगाएंगे 5 5 = 25, यहाँ आएगा 2 5 4 = 20 + 2 22, 5 5 + 1 6 और 3 + 2 5 और ये 2 पीछे से 1 2 डिजिट पे, तो ये इतना आ गया 25.65, ठीक, तो फाइनली आपका हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, देखो ये पाई आर एल हम लोग निकाल लेते ना, कितना आ गया 22.7, तो ऐसे ही रहा, और 4.5 × 5.7 कितना आ गया 25.65 आ गया, अब 25.65 को 22 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, ठीक,
तो नाउ स्टूडेंट्स 4.5 इनटू 5.7 कितना हो गया 25.65 और 22.7 तो आ गया। अब 22 को 25.65 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25.65 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे 22 से, चलिए करते हैं 2 5 ज़ा 10 बन जाएगा, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, फिर बन जाएगा 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। ठीक है, फिर से 2 से करना है तो यही सारे नंबर आ जाएंगे 0 3 1 5 0 3 3 प्लस 1 4 5 प्लस 1 5, और ये ऐसा। ठीक है, पीछे से 1 2 डिजिट पे तो ये आ गया, यानी कि आपके पास आ गया जो पाई आर एल है वो कितना आ गया 22 इंटू 25.65, कितना आ गया 564.30 और डिवाइडेड बाय 7। अब 564.30 को 7 से डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द कैनवास क्लॉथ। ओके, आइए डिवाइड करते हैं। कैलकुलेशन तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है इस क्वेश्चन में, बट आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 8 7 8 का क्या होता है 56। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग 4 कॉपी करेंगे। अब जैसे ही बच्चों देखिए 4 कॉपी करोगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास पॉइंट, तो तुरंत पॉइंट नहीं लगा देना है आपको। जब आपने यहाँ से 4 कॉपी कर लिया तो 7 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 4 आ जाए, या तो 4 से छोटा नंबर आ जाए, यही तो होता है ना। तो 7 जीरोज़ा क्या होता है 0, तो 7 जीरोज़ा 0, रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे तो 7 जीरोज़ा 0, 4 माइनस 0 4। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट है तो पॉइंट भी लगा देंगे और नेक्स्ट हम डिजिट उतार लेंगे यहाँ से, तो 7 सिक्स कितना हो जाएगा 42, 3 माइनस 2 1, और फिर से ये नेक्स्ट डिजिट हमने कॉपी कर ली यहाँ से, तो 7 बन जा कितना आ जाएगा 7। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, यहाँ 3 बचेगा, पॉइंट तो है ही, तो वहाँ से आप 0 ले सकते हो, तो 7 4 ज़ा कितना हो जाएगा, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा कितना 80.61, क्योंकि लास्ट में 4 है जो कि 5 से छोटा है, तो 80.61 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 80 वॉल्यूम कितना आया था, अब देख लो वॉल्यूम जो भी आता है 74.25 है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द राइस कितना आया आपका, यह आया था मेरे ख्याल से 74.25 मीटर क्यूब। ठीक है, और एरिया ऑफ द कैनवास क्लॉथ रिक्वायर्ड इज 80.61 मीटर स्क्वायर। ओके, कर लीजिए।